हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. 2 दिन पहले एक कविता लिखी थी और आज एक और. सो आई थिंक जो इतने सालों और महीनों में नहीं हुआ वो अब शायद शुरू हो गया. सो दोबारा से एक बहुत प्यारी सी क्यूट सी पोम लिखी है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, आप प्लीज़ सुनिएगा. इसका टाइटल मैंने अभी नहीं लिखा, सो कुछ डिसाइड नहीं कर पाया. बाहर बहुत अच्छी बरसात हो रही है, सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट सेटिंग फॉर दिस पोम. सुनिए. वो महकती शामें, वो मखमली रातें, वो चादर की सिलवटें, वो बदलती हुई करवटें, होठों को गुदगुदाती हुई तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारी आंखों की वो शरारत, सांसों की गजल और तुम्हारी अदाओं की नज़ाकत. काम से भी फुर्सत निकाल लेता हूँ, एक बार तुम्हें पुकार लेता हूँ. वो हल्का सा नशा कानों में तुम्हारी फुसफुसाहट का, वो प्यारा सा सकून तुम्हें देखने भर की राहत का. मोहलतें मांगता हूँ जिंदगी से कुछ और दिन जीने की, अपने हाथों से छूकर मरम लगा दो, तलखियाँ बटोर रखी हैं सीने की. काम से भी फुर्सत निकाल लेता हूँ, एक बार तुम्हें पुकार लेता हूँ. जब हम लहरें बनकर मिलते हैं, वादी में रंगों वाले गुल खिलते हैं, तुम्हारे हाथ की छुअन बिजली जैसे कौंद जाती है, इत्र के लिए ऊद को जैसे कोई मीठी चोट रौंद जाती है, तुम्हारे बदन की खुशबू महका सी जाती है. और हाँ, वो तमन्ना मेरी तुम्हें सिर्फ देखने भर की, मुझे एक अरसे के लिए बहका सी जाती है. काम से भी फुर्सत निकाल लेता हूँ, एक बार तुम्हें पुकार लेता हूँ. थैंक यू. होप आप सबको ये पोम अच्छी लगी हो. मुझे प्लीज़ अपने थॉट्स बताइएगा. अगर आपको लगता है कि ये सब ठीक ठाक चल रहा है तो मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करूँगा और लिखने में, नहीं तो लेट्स पुट अ स्टॉप टू इट. थैंक यू सो मच.